पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है, अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है। नवादा जिले में कुल 10 चरणों में अलग अलग प्रखंडों में मतदान कराया जाएगा, इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। नमस्कार, मैं विजय पांडे, अपना मंथन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। 10 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव नवादा जिले के किन प्रखंडों में कब आयोजित होगी, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक आग्रह है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नवादा जिले के किन प्रखंडों में कब होगा मतदान और कितने हैं मतदान केंद्र, आइए डालते हैं एक नज़र। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का शुरुआत गोविंदपुर प्रखंड से किया जा रहा है, जहां 24 सितंबर को मतदान होगा। यहां 129 मतदान केंद्र। दूसरा चरण कौवाकोल प्रखंड, जहां 29 सितंबर को मतदान किया जाएगा। मतदान केंद्र संख्या 208 है। तीसरे चरण के तहत रजौली प्रखंड को रखा गया है, जहां 8 अक्टूबर को मतदान किया जाना है। यहां मतदान केंद्र 194 है। चौथे चरण के तहत अकबरपुर प्रखंड को रखा गया है, जहां 20 अक्टूबर को मतदान होना है। यहां मतदान केंद्र की संख्या 301 है। पांचवा चरण पकरीब्रामा प्रखंड को रखा गया है, 24 अक्टूबर को यहां मतदान किया जाएगा। यहां मतदान केंद्र की संख्या 258 है। छठा चरण के तहत मेस्कौर और सिजदला प्रखंड को रखा गया है, जहां 3 नवंबर को मतदान केंद्र किया जाएगा। जहां मेस्कौर में 150 और सिजदला में 230 मतदान केंद्र हैं। सातवां चरण वारसलीगंज और काशीचक प्रखंड को रखा गया, जहां 15 नवंबर को मतदान किया जाएगा। यहां वारसलीगंज में 206 और काशीचक में 106 मतदान केंद्र हैं। आठवां चरण नवादा और नारदीगंज प्रखंड को रखा गया, जहां 24 नवंबर को मतदान किया जाएगा। जहां नवादा में 216 और नारदीगंज में 163 मतदान केंद्र हैं। नौवां चरण नरहट और हिसुआ प्रखंड को रखा गया, जहां 29 नवंबर को मतदान होगा। मतदान केंद्र यहां नरहट में 151 और हिसुआ में 141 है। दसवां चरण के तहत रोह प्रखंड को रखा गया है, जहां 8 दिसंबर को मतदान किया जाएगा। मतदान केंद्र 230 है। शहर और गांव की खास खबरों के लिए कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।